हुआ था कि अपने रन तो मार देंगे आज। जी भाई कैसे आप लोग, आ जाए जल्दी जल्दी यार, क्या हुआ नहीं क्या क्या मैच हो गया क्या? अच्छा अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी दरखास्त के एंड हो गया ममलू क्या, सारा बच गया क्या? अबे जनाजे उठे नहीं उठे? उड़ गए पूरे उड़ गए। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग देखें तो अब तो हंसी आ रही है, अब और क्या करेंगे आप, मतलब कितनी तनकीद कर लेंगे क्या कर लेंगे। अच्छा भाई मेरी पहले दरखास्त है एक साहब से, भाई आप भी सुन लें, हसन रजा साहब से मेरी दरखास्त है कि यार जरा ये बल्ला चेक करवा लो वसीम और हारिस रऊफ का, कि ये जो बल्ला है ये कौन सा बल्ला लेके आ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं टेलेंडर्स, ये बल्ला टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं है, बाबर के पास क्यों नहीं है, रिजवान के पास क्यों नहीं है? सही बात है ना, बॉल तो तुम्हें दिख जाती है कि कौन स्विंग कर रहा है, रबाडा भी कर रहा है, हालांकि सिर्फ शामी बुमरा तो दूसरी तरह की बॉल कर रहा है ज्यादा, सिराज और शामी ज्यादा हिला रहे हैं, ये वाले ऊपर टॉप ऑर्डर के पास बैठ क्यों नहीं है, टॉप ऑर्डर के पास ये बैठ क्यों नहीं है यार, ये भी तो बताओ ना, अगर क्रिकेट बता रहे हो तो ये भी तो बताओ कि ये कौन से बल्ले लाए, ये बल्ले चेक करो रखते ही ग्राउंड से बाहर, ये वसीम जूनियर ने जो सीधा छक्का तनाया अभी आखिरी ओवर में, नहीं तो ये बेशर्मी है ना यार। देखो यार हसन 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 एक बात और बताओ कि यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हारिस और वसीम इंग्लैंड के बॉलर्स को मार रहे थे या बाबर और रिजवान को दिखा रहे थे। भाई हारिस रऊफ ये कह रहा है कि मैंने ज्यादा रन नहीं दिए हैं, इतने ही रन बन रहे सब पे, हमारे बल्लेबाज नहीं मार पा रहे किसी को, असल गेम ये है हमारे वालों के, जब बल्ले पे बॉल आ रही थी तो ये बता रहे थे कि हम ग्रेट है, इन्होंने स्ट्राइक रेट ना अपने आप को अपग्रेड किया ना किसी को ग्रेट किया, ठीक है ना किसी को ग्रेट किया, अब जब बल्ले पे बॉल नहीं आ रही तो रन भी नहीं आ रहे, ठीक है भाई नहीं आ रहे। काम हो गई अब तो बल्ले पे, तुम्हारे बल्लों पे हमने पहले भी कहा था जब जो हर टीम अपने पूरे लौंडे लेके उतरेगी ना तो तुम कोई टांग पकड़ के बाहर हो जाएगा, कोई नाक पकड़ के बाहर, कोई उंगली पकड़ के बाहर, कोई कोहनी पकड़ के बाहर, अब तुम क्या दिखा रहे हो लोगों को कि यार शाहीन की और बाबर की नहीं बन रही, क्या दिखा रहे हो शाहीन की, अबे ये ड्रामे तुम हमें दिखा रहे हो, वो का है वो भीगे होंठ वाले ने कितने रन बना लिए, श्रीलंका मार रहा था बच्चे सरकारी हैदराबाद में, बोला है ना कि टीम असल में बर्बाद करने में पेश आदमी यही है, आई थिंक एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है वो अक्सर इसकी बात करते हैं, ही वॉज राइट, वो सही है इसके बारे में, शायद उनके पास कुछ इत्तला तो मैं आपको बताऊं, रिजवान को लेकर पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा, क्रिकेट का फितना यही है, फितना यही है, आप ये देखें कि बाबर पे लोग आ रहे हैं, बॉलर्स पर आ रहे हैं, इसमें क्यों बात नहीं हो रही है, कोई एंकर जितने तज्जिया करने वाले जितनी जगह बैठे हैं हर एंकर को वो बता के शायद बैठ रहे हैं कि रिजवान का सवाल नहीं करना हमसे, इसका मतलब साफ है कि यार आपका किसी ना किसी फॉर्मेट का या तमाम फॉर्मेट का वो डायरेक्टर है सारा का, कप्तान आने वाला है भाई ये, और आज इसने बाबर को जिस तरह फील्डिंग में इग्नोर करके ताली शाहीन से मारी है, ये बात साफ हो गई है कि ये पार्टी छा गई है, और बाबर आजम है तो बहुत होशियार लेकिन उनको समझ नहीं आई कि इस होशियारी में ये सब मिलके इनको खा गए, ये सब मिलके इनको खा गए, रिजवान प्यास कुतर गया प्यास, वो फुटेज ये बता रही है आज कोई मार दिया, आज कोई ना नेपाल जाएगा ना कोई श्रीलंका जाएगा ना कोई एंजेलो मैथ्यूज को बाप भाई बहनों ही बनाएगा, देखो तुम्हारा तो और ना कोई अब कोई और बात करके पीछे छुपेगा व्हाट इज हैपनिंग, अब ये जो ना कोई ये ख्वाब देख के पीछे छुपेगा के इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगी, अबे हार जाएगी तो न्यूजीलैंड को अच्छा खेलना पड़ेगा, अपनी बात करो क्रिकेट में, तुमने मुल्क को कौम को वो लोग बाहर आ जाए जिन्होंने 31 अगस्त को कहा था पाकिस्तान लुक्स फार मोर बेटर देन रोहित 11, अच्छा भाई 11 पहली बात है, अगर ऑन पेपर कह रहे थे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी गधेड़े स्टैटिस्टिशियन को ये शौक हो गया कि चलो मैं जो है वो तज्जिया भी कर लूं, तो भाई करो, तुम्हारा भी राइट है,
लेकिन किसी से पूछ ही लो कि क्रिकेट बताते कैसे हैं, मैं तो अदद वदद देख लेता हूँ। नहीं, जैसे मिकी आर्थर ऑनलाइन सिखा रहे हैं ना क्रिकेट, वैसे ही स्पेस पे क्रिकेट सिखा रहे होते। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी है, नहीं पिच पे बताना पड़ता है, कंडीशन बतानी पड़ती है, ये वाली बच्चोदियां नहीं चलती के शामी को कौन सी बॉल दे दी। अगर उसका हाथ दिखाओ, अगर तुम्हें क्रिकेट आती है तो उसका हाथ दिखाओ कि वो इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहा है, तो उसकी एल्बो और रिस्ट पोजीशन में फर्क क्या है ये बताओ। शायद तुम्हारा तज्जिया किसी के कान में पड़े तो कोई और सीखने की कोशिश कर ले। तो बल्ले को स्टिकर से पकड़ते हो, हम बल्ले को उसके हैंडल से पकड़ लेते हैं कि पुराना है नया है, समझ गया। तुम्हारे लिए बल्ले का स्टिकर है, 2.5 साल के बाद कोई बात का स्ट्रोक है। जब एशिया कप से पहले इमर्जिंग हुआ तो मैंने एक सजेशन दी कि आप वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जा रहे हैं, आपके स्पिनर्स की जो हालत है वो दुनिया को पता है, आप लंगड़े लूले लोग लेके जा रहे हैं, आप उस बच्चे को डाल लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन सुफियान मुकीम को। अब मिसबॉल हक फॉर्मर कैप्टन, वो 2-4 दिन पहले क्या कह रहे थे, सुफियान मुकीम और चाइना मैन आने चाहिए। अच्छा मैं आपको, अबे तो लेट रियलाइज क्यों करते हो, पूछ लिया करो ना हमसे। दो लोगों के धोखे में तो बिल्कुल ना आइएगा मेरे प्यारे फैंस। देखिए जो मेरे प्यारे फैंस घंटे के नाजायज फैंस, इंडिया में बाउंड्री छोटी होती है, वसीम जूनियर मार लेगा छक्का, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ अपने प्यारे फैंस से कह रहा हूँ कि दो लोगों के धोखे में मत आइएगा, ये इनकी टीम है मिसबाउल और वकार यूनुस की। जी। ये बच्चे पकड़ के लाए थे ताकि जी सर जी बॉस जी जी मिसबा भाई जी विकी भाई एक सेकंड दीजिएगा। अबे वो बाहर निकलो बगैर तो जो सरफराज का क्रेडिट इस मिकी बेशरम को देते थे। ये कोच है साला, टकेगा कोच नहीं है। श्रीलंका ने लात मार के सस्पेंड हो गया श्रीलंका, लेकिन इसको कोच नहीं रखा उन्होंने, सिल्वर वुड रख के उस श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया यार, और एक एशिया कप का फाइनल भी खेल लिया वो पिछले वाले का। तो बताओ ना कि जब तुम अपने देखो अपने, मैं अक्सर क्रिकेट की बात करता हूँ भाई, मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ कि सौरव गंगोली 2007 में बांग्लादेश से बतौर कप्तान हारे, हम आयरलैंड से हारे, फर्क क्या हुआ। सौरव गंगोली को छोटा नाम नहीं था, सौरव गंगोली बहुत बड़े लीडर थे, उनके पास अगर ये वाली टीम होती वो 2-3 इवेंट जीत चुके होते। प्रिंस ऑफ कलकत्ता, ठीक है, मैं उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। प्रिंस ऑफ कलकत्ता की नहीं, अबे भाई उनकी तो लाज रख लेते आज यहाँ पर, उन्हीं के लिए जीत जाते मेरे घंटे। नहीं मैं बता ये रहा हूँ कि जब उनके साथ, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ आपने अपने आप को बचाने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने अकाउंटेबिलिटी सीरीज शुरू की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सौरव गंगोली द्रविड़ वगैरह से बात की कि यार आप टेस्ट खेले अभी थोड़े अरसे, उन्होंने रुसवा करके नहीं निकाला लेजेंड को, वो हकीकी लेजेंड्स थे यार। उन्होंने इंडियन टीम में कुछ भी नहीं होता था उस दौर में, फास्ट बॉलिंग नहीं होती थी अच्छी, श्रीनाथ के कंधों पे सारा बोझ आ जाता था बेचारे के, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, जिन्होंने नहीं देखा वो स्टैट्स देख के एवरेज बोलेंगे। पर मैं बता रहा हूँ कि श्रीनाथ बहुत अच्छे बॉलर होते, अगर वो इस वाली बैटिंग लाइनअप में या इस वाली बॉलिंग लाइनअप में हो तो उन पर पूरा लोड पड़ जाता था कि यार तुझे ही आउट करने, तो वो किस्मत है उन्हें मार। अच्छा उस वक्त बल्लेबाजों का लेवल भाई, जिस एरा में टंडोलकर खेले, सईद अनवर खेले, जिस एरा में पॉन्टिंग खेला, याद रखना श्रीनाथ उस वक्त बॉलिंग करते थे, वो इस वक्त बॉलिंग नहीं करते कि जब बाबर खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है, पॉन्टिंग बहुत आगे की चीज था भाई, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम रिकी पॉन्टिंग। तो कहने की बात यह है, ये समझाया मैंने तहमीद इसलिए बांधी कि आपके यहाँ जो कल्चर आया, एक आदमी आपको ले देके, आप वेस्ट इंडीज बने हुए थे, आप बाहर थे, दुनिया को यकीन था आप क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाओगे, पता नहीं वहां से भी निकलोगे नहीं निकलोगे। आपने क्या किया कि जैसी सरफराज जीता, पहले तो कुछ लोग हैं जो एक फॉर्मर कैप्टन आजकल एक टीवी पे तज्जिया भी करते हैं, वो रिजवान को, उन्होंने पहले तो कहा हमें भी पता है क्या होता है आईसीसी में, हमें भी पता है आप कैसे जीते हो, बाबर को क्यों नहीं करवाया फिर है, तो बाबर को भी जितवा देते, करवा देते ना, तो बच्चा ही है घर का। सरफराज के लिए तुमने कहा, शर्म नहीं आई बेशर्मो, सरफराज के अलावा टीम के हर आदमी को तुम लोगों ने क्रेडिट दिया और तुमने मिकी की ऐसी दुकान खोली। आज मैं बड़ी इज्जत से कहता हूँ नजम अजीज सेट्टी साहब को, आपको भी समझ आ गया होगा ये कितना बड़ा कोच है जी। ओ भाई वो शफीक आदमी है, मेरा क्या लेना देना, उसको बुला के उसके हाथ वाथ चूमो कि बेटा तू हमें मशवरा दे दे, गलत लोगों को लेके आ रहे हो, इनके पास कोई 50 ओवर की ग्लोरी नहीं है। मिसबाउल को तो कप्तानी से हटाया गया
था जेड डानबेक का 6 रन का ओवर यूएई में मिस करने पे, उसको तो T20 की कप्तानी से फारिग किया था। तुम उसी को अगर जिम्मेदारियां दोगे तो यू आर स्टिल गोइंग बैकवर्ड्स, तुम आगे नहीं आ सकते, तुम वहीं खड़े रहोगे जहां के थे और तुम्हारी क्रिकेट एक्सेल नहीं करेगी। अगर तुम इन 4-5 नामों को बिठा के पाकिस्तान में नए बच्चों की टीम नहीं बनाओगे, कबूल है 3-4 सीरीज लग जाए, कोई बात नहीं, मेरे पास फ्यूचर स्टिक अगर नहीं होगे, इन्हीं लड़कों पे रहोगे तो इसका मतलब तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मिले हुए हो। ऐसे ही फिर अगले मेगा इवेंट में रुसवाई होगी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है ता, नथिंग पर्सनल है ता, है अच्छा, हम मैं आपको समझ आ गया, ये जो ईगो है इवेंट को मार दे, मैं गलत प्रूफ हो जाऊं किसी तरह, मुझे ना कर पाया 3 सालों में इतना बड़ा बल्लेबाज है मैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, 142 बल्लेबाज उतरे हुए थे यहाँ पे, कितने 142 बल्लेबाज, उसमें ये 20 में नहीं है, गया था नंबर 1 बल्ला लेके, आज कोशिश कर रहा था बचाने की किसी तरह, मगर कलकत्ता किसको छोड़ता है, मैंने आपको कल कहा था कि आप ये रन रेट को तो छोड़े, वन साइडेड मारेगा इंग्लैंड, थैंक्स टू हारिस रऊफ एंड मोहम्मद वसीम। अरे इसकी ऐसी की तैसी, मेरे एनालिसिस खत्म इसके ऊपर, एंड कर दिया, अब बचा क्या है, मैं ये कह रहा हूं अब तू करोड़ों रन भी मार देगा, रहेगा तू घंटे का किंग ही, बस एंड ऑफ स्टोरी। अब गले लगाओ, भेनोई बनाओ, दूल्हा भाई बनाओ, कुछ बनाओ, गोद में बिठाओ, सर पे ताज बन के सजाओ। SKL लग चुके हैं और 2021 से जब ये जितवा रहा था, जिनसे जितवा रहा था, जब भी बता रहे थे ये घंटे का किंग है, ये वहां जाके तुम्हें प्यासा मारेगा जहां पर पूरी दुनिया देख रही होगी, देख लो इसने मीडिया हाउसेस के दरमियान जाकर अपने आप को प्रूव कर दिया। कोई नहीं कह रहा है इसको गले लगाने को, बबूमा को सब उठाने को तैयार है, जबकि इसको हर आदमी कह रहा है ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग है ता, है ता, आज जो हुआ है, अरे क्या इसकी क्रिकेट है, क्या बात कर रहे हैं, आप समझे नहीं, आप आज इतना इसको क्यों वो कर रहे हैं, जब हमें तो पहले ही पता था कि ये बाहर है, फिर न्यूजीलैंड के बाद भी पता था, कह रहे मैच ये भी पता, कल मैंने आपको क्या कहा था, वन साइडेड मार के जाएगी, हालांकि कलकत्ता का अच्छा कोई एक्सपर्ट ये नहीं बता रहा। देखो टूर्नामेंट में स्केड्यूल बनाते हुए किसी को ये पता था कि पाकिस्तान को रन रेट चाहिए होगा, ये पाकिस्तान का फेवर करने वाला वेन्यू मिला हुआ था पाकिस्तान को, इंग्लैंड के लिए आसान वेन्यू नहीं था, ये एशियन टीमों का वेन्यू था कलकत्ता, आपका मैच इंग्लैंड से मुंबई में नहीं कराया गया, कलकत्ता में कराया गया। तो अब आप मुझे बता दें, आप अगर ये आखिरी वाले पे 3 लड़कों के रन हटा दें तो आप तो 150 रन पे भारत है। मैंने कहा था कंप्रिहेंसिव मारेगा, कल की वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है, देख लें। अच्छा अब ये दिल चाह भी नहीं रहा कि मैं रिकॉर्ड दिखाऊं या मैं ये बताऊं कि ये शब्बीर आती है आपको पूरे वर्ल्ड कप में डुबवाएगा। देखें हमने सबसे बड़े पॉइंट की तरफ आना है, कभी कभी गुस्सा भी होता है, चीजें भी होती हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है नंबर 4 की, हाँ चलाया उसने वो एजेंडा, आज भी चलाया उसने जो एजेंडा लेके, जब निकल के स्पिन होके बोल्ड हो गया तो टांग से गिर गया, फिर से इसको क्रैम्प आ गया। तू है मैक्सवेल रिजवान, रिजवान मैक्सवेल है भाई, मैक्सवेल को देख ले कि क्रैम्प के बाद 200 रन कैसे करते, एक टांग पे मारना सीख ले, एक जगह पे मारना छोड़ के एक टांग पे खड़े होकर। और भाई अब एंड्रू साइमंड्स मरहूम की रूह को तड़पाना मत, उसकी कॉपी करके अपने होठों पे ना लगाओ, ये वाइट चीज़ है, बिल्कुल नहीं ना लगाओ यार, कुछ और कर लो, हमें सबको समझ आता है कि तुम कॉपी करते हो। हसन रजा के लिए सवाल हमने छोड़ दिया यहाँ पे कि ये कौन से बल्ले हैं जो वसीम के पास है, हारिस के पास है, हाँ। जो मार रहे 200 के स्ट्राइक रेट, 200 के स्ट्राइक रेट से, उनके ऊपर वालों के पास बल्ले क्यों नहीं है, ये वाले दम नहीं है, ये वाले बल्ले क्यों नहीं है, टेल एंडर को इतना अच्छा बल्ला, बहादुर नहीं है ये, क्या साइड पर रखवाए हुए थे ICC ने, क्या हारिस और वसीम खेलेंगे, ये वाले बॉलर, ये बेमानी हुई है पाकिस्तान भाई, किरण निकल्स वालों इसको कौन सा बल्ला दिया है, इसको हमने पहले ही कहा था उस जिस फैक्ट्री से इसको बल्ले दिए वो बंद किए हुए, स्लो बल्ला है ये, स्लो वो बल्ले बंद किए हुए थे क्योंकि उस जमाने के बल्लेबाज आते ही नहीं थे, ये उस जमाने का बल्लेबाज है, जब मेरा तो आज मैच देखने का दिल ही नहीं हुआ, जब लोग क्रिकेट नहीं सिर्फ टाइम पास करने जाते थे, छोटी छोटे पौवे बोतलें उठाकर बैठे आया करते थे ग्राउंड में जाके, एक आदमी चूतियों की तरह लगा हुआ है उसको खेलने दो, ये वो वाले बल्ले जिसमें बल्ले पे बॉल कम आती है, जिसमें अच्छा भाई मैं एक बार कह देता हूँ उन लोगों से
जो सोशल मीडिया में किसी के बहकावे में है। देखिए आपको बेटा, छोटे भाई हो गए हमारे, छोटी बहनें होंगी, आपको बेटा 2-3 साल से रखा हुआ अंधेरे में इन्होंने, इन लड़कों में वो बात नहीं है। आप आज तो सोशल मीडिया पे भी तो हार गए, हम भी बेवकूफ नहीं थे बेटा, वरना हम भी कहते कि ये हो सकता है। हमने तुम्हारी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी, हमने कहा था ये सेमीफाइनल नहीं खेलने वाली टीम है, न्यूजीलैंड खेलेगी, और इंग्लैंड की ये नहीं कहा था मैं कभी गलत बात, मैंने कहा था इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग लेके एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन करना क्या हुआ कि आखिर में वो बॉलिंग पाकिस्तान को डेविड विली छक्के भी मार गया आखिर में, और शुरू में 2 विकेट लेके ये भी बता गया, रूट नहीं चल रहा था वो चल गया, खामोशी से रन किए उसने, कम बॉलर ज्यादा बॉलर लेके बहुत कम रन किए, लेकिन किए ना। बेन स्टोक्स की फॉर्म लगी, उसने भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए क्रिकेट खेली, रिवर्स क्रिस वोक्स ने एक्स्ट्रा कवर पे चौके मारे, तो कहने की बात यह है कि भाई तबाह बर्बाद कर दिया आपने क्रिकेट। फिर आप लोग देखे, ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी गेम, मजा आता है दो जगहों पे, दो उनकी में। तो अम्मी का खेल है वो, हाँ। वो जाके अपने अब्बू से पिटेंगे वहां पर, ठीक है, वो जाने उनके अब्बू, वो बदलाव लाएंगे, वो खामोशी से चेंजेस करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तो वहीं बैठ के बोल रहा था कि कप्तान ही छोड़ने का फैसला वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, जिस तरह आपके पास टेस्ट के बॉलर नहीं है, ऐसी में जाए मैं रहूंगा कप्तान, मैं इतना ढीठ हूँ, इतना जिद्दी हूँ, मैं अभी भी मुझे दिल नहीं भरा हरवा के, क्योंकि मेरे रन्स नहीं हुए, अभी ये इस बात पर भी आएगा कि देखे ना मेरे तो रन्स अभी बाकी हैं, मुझे इंडिया भेज दिया इन्होंने, मेरे तो रन्स ही नहीं आ रहे थे, वहां पर फंसी हुई विकटें मिल गई मुझे, बाउंड्रियां छोटी कर दी, विकटें फंसी हुई दे दी, शुरू में खेलना पड़ गया, प्रेशर था, आप तो कह रहे थे किंग कर लेगा, है आप तो बार बार कह रहे थे आज किंग कर लेगा, हमने तो हमेशा कहा घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा, हाँ घंटा कर लेगा, हमने हमेशा कहा क्या करें। अच्छा आप अब आप लोगों पर फैसला छोड़ा भाई, तुम लोग लिख के बताओ मैं बोलना क्या, हमें तो चलो हमारे तजिया खत्म हो गया, हमने तो 5 दिन पहले तक फाड़ के फेंक दिया था कि इनका कुछ नहीं होने वाला, और तुम कुदरत के निजाम पे वो रब की बात होती है, वो उसको डिनाई नहीं किया, लेकिन हमने कहा था जो बहादुर हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं, जिनमें मुल्क के लिए खेलने की करिज है, अबे तू साउथ अफ्रीका के मैच में भी अपनी बैटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान के मैच में भी अपनी बैटिंग कर रहा है, तो ऊपर वाला तुझे कैसे जितवा के आगे पहुंचाएगा। देखो अब वो तो टाइम चला गया, न्यूजीलैंड को पहुंचवाएगा कि विलियमसन अंगूठा टूटा लेके आया कच्चा पक्का, वो थोड़ा तेज खेल लिया, आज अगर उसने हमें सरप्राइज दिया कि यार चलो मैं 125 के स्ट्राइक वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राणा बॉल से तेज खेल के जाऊंगा बेंगलुरु में। आज वो लोग भी कह रहे हैं जो गालियां ज्यादा देते रहे पिछले 1.5 साल में, खास तौर पे सोशल मीडिया के लोग, अब ये टीम तो सोशल मीडिया पे भी हार गई, अबे ग्राउंड में तो हारे हुए थे ही, हम तो कब से बता रहे हैं ग्राउंड में हारे हुए, ग्राउंड में हारे हुए, दुप्पल लगा नेदरलैंड का, ये पहुंच गया फिर चौड़े हो गए, फिर बचे, फिर इंग्लैंड ने बजा दी वहां पर उनकी, मैं यही कह रहा हूँ फिर मौका लगा वो हमजा दानिश वानिश काहे बेचारे, मैं यही कह रहा हूँ ना अब तो बगौर, वो हमजा तो तफरी करने आता था बेचारा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार तुमने दुनिया के कमजोर बॉलिंग अटैक को मारा, अच्छा उनको भी वैसे नहीं मारा जो उनकी मरम्मत करनी चाहिए थी, जो मरम्मत इंग्लैंड कर देता है नेदरलैंड को पकड़ के, ठीक है इंग्लैंड की सही, इंग्लैंड ने सही मरम्मत, 499 रन, 380 रन, 420 रन इंग्लैंड ने जो सीरीज तुम मार के आए ना 300 के अंदर नेदरलैंड को, वो 450 के रन के करीब मार कर आए, तो यार फर्क तो देखो ना, सेमीफाइनल लाइनअप पे बात कर ले यार, अब इनमें रहा क्या है बात करने का, ये बताने की कोशिश करी ये 50 का एवरेज बहुत है, अबे स्ट्रेंथ तो बताओ किसके अगेंस्ट है 50 का, आप कह रहे थे शाहिद आफरीदी ने जवाब दिया है कोई, जब हाँ शाहिद खान आफरीदी ने कहा बाबर अपनी अपनी परफॉर्मेंस दें, वो फोन वाली बात पे इनकी परफॉर्मेंस देंगे, मैंने तो बाद में सुना ये क्या क्या कह रहे हैं, शाहिद ने कह दिया परफॉर्मेंस दोगे तो फोन करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी, अरे लांतियों किन चक्करों में तुम लगे हुए थे क्रिकेट, मतलब टीम बाहर हो गए, तुम कल कह रहे हो मेरी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि मुझे कप्तानी से हटाया जाए, मैं कहता हूँ ये जो नहीं जो कोविड के बाद तुम लोग फैन बने हो ना बेवजह, जानबूझ के तुम लोग, तुम समझते भी थे कुछ लोग कि इनमें वो गट्स नहीं है, उसके बावजूद तुमने इन्हें गलत और नाजायज सपोर्ट कभी भी ठीक नहीं होती, तुमने इन्हें क्रिकेट में कमजोर पाके जिन लोगों ने नाजायज सपोर्ट की है, मैं अब कह रहा हूं कि तुम पे तुम्हारी किस्मत है कि तुम पे यही लोग मुसल्लत किए जाएं, अरे रहने दो इसे कप्तान, इसे अभी अगला T20 में भी जलील होने दो, अब ये 20 ओवर में भी फाइनल सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इसको 20 ओवर भी खिलवाओ, इसे 20 ओवर की भी कप्तानी दो, बोल तू ये भी कर वो जो थोड़ा, जब तक ये इसकी गैरत चेक करो कि जब तक खुद ना समझ ले कि मैं किस पाए का क्रिकेटर हूं,
नहीं नहीं, जब तक मैं आपको बताऊं, जब तक इनकी क्योंकि ये कुछ तस्लीम नहीं करता तो सीखेगा क्या? नहीं, इनकी अकड़ और चौड़ापन पता है क्या है? देखा हम अफगानिस्तान वाली सीरीज T20 में नहीं थे, हार गए तुम लोग। अबे जब तुम पूरे थे इंग्लैंड सीरीज में, जब तुम व्हाइट वॉश हो गए, जब न्यूजीलैंड ठीक नहीं है, अभी बच्चा है, 20 ओवर खेलता है, अब्दुल्ला शफी कच्चा है, तुम्हारे सारे रविंद्र भी बच्चा है, सारे बच्चे निकाल के गया, वो तुम्हारे अभी 100 मार के, वो तो तुम्हारे जितने बच्चे अंदर तुम्हारे पल रहे थे वो भी तो मार दिए। अब वर्ल्ड कप, अब मसला ही है भाई, हर अच्छा लड़का आता है टीम में अग्रेसिव, ये उसका दिमाग खराब करता है। जैसे इसने फखर को उस दिन बोला रोक के खेली, अबे जाहिल आदमी, तू क्रिकेट खेल रहा है, अल्लाह ने तुझे कप्तान बनवा दिया टीम का, तू फिर भी ये नहीं सीखा किसी का नेचुरल खत्म नहीं करते, वरना मजा खत्म हो जाता। तू फखर को कह रहा है, तू सिखा रहा है जो दुनिया के किसी भी बॉलर को गिवन डे पे मारता है। आज डेड मैच हो गया था उसके लिए यार, अब क्या करता वो? तूने सारा कुछ तो मेन मैचों में इमाम को दे दिया, अब्दुल्ला को दे दिया, इंडिया के मैच में तूने जगह ही नहीं छोड़ी किसी के, जब रन बनाने का टाइम था तू अपने सिंगल सिंगल करता रहा, बाद में तेरी बजा दी उन्होंने। अच्छा, अब ये अपना क्रैम्प लेके जो है ना गया है, अब इसकी इंजरी की खबर इतनी बड़ी आएगी पाकिस्तान उतरने से पहले पहले। मैं छठ की बात नहीं भूलने दूंगा, छठ का क्या हुआ? विराट कोहली की छठ किसको दी है? लोग कह रहे थे शादाब ने मांगी, वो कह रहे कजन के लिए मांगी, वो छठ का है? मैंने कहा था बेचने के लिए रेप्लिका बनाएंगे, बेचेंगे, ये काम ही यही है इनका, काम ही यही है। अबे तुम दो टके अभी मैंने क्या बताया, 142 बैटर्स उतरे, उसमें तुम्हारी 20वां नंबर भी नहीं आ रहा, 20वां। अब मैं बता दूं कौन सा नंबर है, 26वां नंबर है, 26। कमाल हो गया, तुम नंबर वन उतरे। अबे इस बार तुम अपने लिए भी नहीं खेल सके क्योंकि तुम्हारी नियत में फतूर है। पर उन बच्चों की लानत थी जिनका तुमने पिछले 3 सालों में गला दबाया है अपनी साजिशों से, और वो फितना जो तुम लेके चल रहे हो ना, वो उसी का काट रहे हो तुम, क्योंकि उसके पास क्रिकेट थोड़ी है कोई, उसके पास तो जुगाड़ है, साजिश है, क्रैम्प है, एक्टिंग है, ड्रामे है, पूरी हो सारे पूरे करता है। लिस्ट पूरी हो गई, कौन सी? जो ये लड़के लेके गए थे यहाँ से, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, वो तो और पता नहीं क्या क्या, तो शॉपिंग बैग तैयार है, शॉपिंग तो हो गई ना। एक आदमी ऐसा पकड़ा है जिसको लिस्टे पकड़ा दी, क्यों? कि वो जो रोना धोना है ना, अब रोना धोना क्या है, लड़के कमरों में बंद थे, कैद थे, कोविड का माहौल था, कोविड का माहौल थे, मिकी आर्थर की ख्वाहिश क्या थी इस वर्ल्ड कप में, कि जहां मैं इंडिया में मैच खेलूं, दिल दिल पाकिस्तान वाला गाना चलता रहे, टीम जीत जाएगी। अबे गानों पे तुम अपनी परफॉर्मेंस लोगे, तुम्हारी है तो डांसर हो तुम क्या है? अबे तुम क्रिकेट खेलने गए हो, लहू कर मार देने वाली चीजें अगर ये किसी काम में होती ना तो हम दूसरे वाले भेज देते, तुम्हें क्यों भेजते भाई? अब पिच विच कंडीशन वंडीशन छोड़े, अगर एक आगे की बात करें आप, तो ये बेहतरीन 4 टीमें सेमीफाइनल में आई है भाई, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके सबके पास मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो इस वक्त क्रिकेट की डिमांड है 50 ओवर में। कह दिया कि पाकिस्तान को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, हमें मॉडर्न डे क्रिकेटर चाहिए, वकार भाई कह रहे हैं, वकार भाई ने कमेंट्री में कह दिया है, वकार भाई नहीं तो रिजवान लगवाया है सरफराज के, वो कह रहे हैं 3 साल में ये लोग मॉडर्न कैसे लोग हैं, ये किस तरह बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं 3 साल में ये लोग नहीं सीख सके मेरे बच्चे, ठीक है अब लेकर आए, नहीं यार नहीं, मैं कहां से आएंगे, तुमने 3-3 साल दिए, अबे बाकी बच्चों को भी 3-3 साल दो, ये नहीं सीख सके 2 टके के बल्ले बॉलर, बल्लेबाज बॉलर 2 टके के। मैं साफ बता रहा हूँ, मेरी डिमांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि बाबर को आप कप्तान रखें, प्लीज रखें, लेकिन रखें आप इसका रिकॉर्ड जो बनेगा ना असल, वो ये बनेगा कि ये ऐसा कप्तान है कि ये हार रहा है 3-4 2 एशिया कप लगवा दिए, 2 वर्ल्ड कप उसमें एक्सपोज हो गया, एक घंटा घर बनाए और उसमें रखे इसको, घंटा घर बनाए, इसने कहा था मैं वहां ग्राउंड में जवाब दूंगा, क्योंकि इसे ये बता के भेजा था लोगों ने, बाबर तेरे मतलब की पिचेज है, सीधी पिचेज है, तू अपने रन कर लेगा, लेकिन हुआ क्या कि इसे ये समझ रहा था कि शायद जैसे स्पिनर मेरे पास है वैसे ही उनके पास है, दूसरों के पास, वो कह रहा था ना, सबके स्पिनर ने कह दिया था ना, क्या वो 31 अगस्त वाला चल रहा है ना मार्केट में, यार क्या बोले, मतलब उसका नाम लेके, मतलब उसको सच, भाई अपना काम करो ना, तुम्हारा कोई तजिए का पिच रीडिंग का काम थोड़ी है, देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रांग पोजीशन ऑन पेपर, यार कमाल हो गया, तुम्हारा नाम नहीं, मुझे एक बात बताएं, जमा करना मैंने है, वर्ल्ड कप से, मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी सबके सामने ये सवाल रखा था
कि भाई इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें गई हैं। नहीं, इंडिया पाकिस्तान दिमाग में सिर्फ ये क्यों रहता है कि इंडिया के मुकाबले में टीम कैसी है? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी इंग्लैंड के मुकाबले में कैसी है, तुम्हारी बहुमा के मुकाबले में, अफगानिस्तान हशमत शाहिदीज के मुकाबले में कैसी है? हशमत की अजमत को सलाम, हशमत ने जो हजामत की उसको सलाम। अब इस बात के पीछे ना छुप रहो, नसीम होता तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते। तो शाहिद हाशमी ने कह दिया ना, है क्या? छोड़ो, शाहिद भाई ने आज एक बार में सुन रहा था, नहीं नहीं, एक नाम उनका इसलिए लिया है कि उनको उनको लगता था क्या, तो मैंने यही कहा था ना कि इनका कोई बच्चा नसीम होता तो एक और भी रिपोर्ट बनता, अनाड़ी कोई भी नहीं छोड़ना, इनके सब भेजना। जैसे शाहिन को इंजर्ड भेज दिया था ना, बाबर ने अपने आप को श्रीलंका प्रीमियर लीग जिताने उसको जोर लगवा दिया। हम तो उस वक्त कह रहे थे, मैंने कहा था एशिया कप बिठा दो वरना वर्ल्ड कप में जाएगा, ये जान यही लगवा देगा बच्चे की। रिकॉर्ड पर है ये चीजें, ये ऐसा नहीं है कि क्लेम कर रहे हैं और बाद में बोलेंगे, नहीं ये सबको पता है, रिकॉर्ड पर है चीजें। उस लीग के आखिरी दिन बोला था हमने कि ये गया, ये इसे अब एशिया कप में कैरी करेंगे जबरदस्ती और इसका वर्ल्ड कप जाएगा, क्योंकि भाई ये जो शोल्डर की इंजरी होती है फास्ट बॉलर की, ये कोई मामूली इंजरी नहीं होती है यार, ये बढ़ती रहती है, ये ना खेलो सिर्फ प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी करते रहो, ये बढ़ती। उसको श्रीलंकन प्रीमियर लीग की गलती के बाद अगर कोई अच्छा, आप समझे नहीं, आपको मैं बाबर आजम का नाम लेके बताता हूँ, जिस आदमी को प्रेशरस गेम में सिचुएशन वाइज अपनी इनिंग बिल्ड करनी नहीं आती, जिस आदमी को, वो ये कैसे समझेगा कि मैं किस लड़के को कब बिठा दूं और उसे कब खिलाना है? उसे ये नहीं पता था कि नसीम को एशिया कप से भगा दो, घर भेज दो, क्योंकि वर्ल्ड कप चाहिए मुझे। उसको अपनी बचाने ये बॉलर दिख रहे थे, उसे यही समझ आया ये तेज है, ये नेट में मुझे बीट शीट करते हैं, आउट वाउट कर देते हैं, तेज है, जज्बे में तेज बॉल फेंकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, उस बेचारे को उसकी पैदाइश से लेके अब तक उसको इतने दिन हुए, उससे ज्यादा तो इसने बॉलें भिगवा दी उससे। हाँ, अबे कच्चा आधा अधूरा एहसानुल्लाह फारिग कर दिया इन्होंने, यही सर्जरी करा के जब लेके गए थे तो वो तो ये कह रहे थे कि ये बताओ है कौन ये, ये कहां से पकड़ के ले आए तुम भाई, इतना छोटा तो हम घर से भी नहीं निकालते, तुम उसको टेस्ट खिलाने के लिए लिया है। पूछो वकार भाई से जो कह रहे हैं मॉडर्न डे, अबे वकार भाई के 12-13 साल का पेल दो बच्चा क्रिकेट टीम के अंदर, क्या वो सीख लेगा जाके? नहीं नहीं, आज मॉडर्न डे क्यों याद आ गए? एकदम याद आ गए, इंडिया में है ना, आईपीएल भी होनी है ना। अच्छा, नहीं नहीं भी होनी, नहीं नहीं, वो इससे कोई इंडियन स्पोर्ट्स के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑस्ट्रेलियन आता पाकिस्तानी, अब वो जो बयान दिया था हमने तो नहीं कहा, हमने ठीक है रख ले तो अच्छा है, वहाँ हम तो कह दे कही नहीं, लेकिन कहने की बात ये की यही तो वो लोग हैं जो इसकी कवर ड्राइव और रिजवान के शॉट ये झेप रहे हैं इंडियन मीडिया में जाके झेप रहे। अबे ये तुम्हारे हरकारे हैं सारे, मेरा तो दिल चाहने ना था, एक शॉट पे तो मुझे दिखा था, लेकिन एक शॉट पे रमीज भाई की आवाज निकली थी कवर ड्राइव के, हमसे गलती हुई, हमने नाकारा टांगों को पाकिस्तान के नाम पे मुसल्लत कर दिया। आज भी अगर जो लोग स्टेडियम में थे भाई, वो 90s की और 2000 के क्रिकेटर्स को देख चुके खेलते हुए, इसलिए लोग पाकिस्तान के नाम पे ये प्लेयर्स न जो खा रहे पी रहे मस्ता रहे, ये पब्लिक इनके लिए नहीं आई थी, इन नाकारा टांगों को देखने नहीं आई थी, वो पाकिस्तान के टीम को देखने आई थी बस। ये नाकारा खिलाड़ी है भाई, जाने से पहले भी कहा था, 2 साल से कह रहा हूं, जिस मुर्दा को, मुर्दा टीमों को, मुर्दा प्लेयर्स को इन्होंने मारा, उनकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, वो कोई भी टीम अपने साथ कैरी नहीं कर रही। जिन्होंने अपने बच्चों को ऊपर लेकर आना था, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया पाकिस्तान में लाके, इन्होंने उनको भी मारा खुल के, वो बच्चे सीख गए, ये बच्चे नाकारा थे, नाकारा हो गए, खटारा थे, खटारा हो गए, तेल लगा के बजाया इंग्लैंड ने आज इनका कलकत्ता में घंटा, और उसके बाद मार के कौन आ रहा है, हारिस और मेरा वसीम, इनके बल्लों पे शक हो रहा है मुझे, ये बल्ले मेरे टॉप ऑर्डर के पास क्यों नहीं थे, ये बल्ले रिजवान और बाबर के पास क्यों नहीं थे? भैया ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि नीचे वालों को अच्छे वाले बल्ले, ऊपर वालों को हल्के वाले बल्ले, ये जाती है। बहरहाल पाकिस्तान का यही तमाशा बनना था भाई, जो खामो ख्याल में जो ख्वाबों के शहजादे बना के बैठे हुए थे वो देख ले, धड़ाम से गिर गई ये चीजें, अब भी कुछ बदलेगा नहीं। बहरहाल बदलना आपका काम है, मैं कोई इदारा नहीं हूँ, कुछ नहीं बदलेगा, कट लें, कमीशन लें, जिसकी मर्जी जिसको खिलाएं, मैं वो ही टांगे बताऊंगा जो टांगे आप प्रोड्यूस करोगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। जब तक आप इस जलालत को बंद नहीं करोगे कि बच्चा है सीख जाएगा, या ये सीख लेंगे, या ये सीख रहे हैं, नहीं आप उस तरफ आई नहीं रहे, वकार यूनिस मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड कर रहे हैं। अरे बर्बादी इस आदमी ने किया, इसने तो बताया रिजवान इज बेटर देन पता नहीं किस किस से, हसीबुल्ला
आज भी खूब रन मार रहा है। देखें यार, जो क्रिकेट के समझदार लोग हैं उसको किसने कहा, ये बात जरा पूरी कर सुने के हसीबुल्ला। देखें भाई, जो भी एवरेज क्रिकेटर या अच्छा क्रिकेटर आता है ना, एवरेज को तो उतने मौके नहीं मिलते। शुभमन गिल की मिसाल आ रही है मेरे जहन में, या रचिन रविंद्रा उस पाए की चीज नहीं है जिस पाए का शुभमन गिल है, दुनिया को पता है। बट वो भी बच्चा डिलीवर करना शुरू हुआ, क्या पता वो मेहनत करके उस पाए तक चला जाए। लेकिन बताने की बात यह है कि जब आपको लगता है ना टैलेंट, तो आप उसकी जान नहीं छोड़ते। रोहित शर्मा ने सबको हटा दिया और क्लियर मैसेज दे दिया कि गिल मेरे साथ ओपन करता रहेगा। ये कब तय किया उन्होंने? मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए तय किया रोहित ने। क्लियर कर दिया ना उसने, 5 महीने पहले, ताकि सारे ओपनर ये समझ जाएं कि भाई शुभमन गिल ही ओपन करेगा रोहित शर्मा के साथ वर्ल्ड कप में। आपने क्या किया, आपको कुछ चीजें दिखी, आपको कुछ चीजें दिखी, जैसे कि एक चीज थी साई मयूब, दिख गया था वर्ल्ड कप में, बहुत देर थी। आपने क्या किया, उसको गंदा किया, अपने लोग उसके पीछे लगाए। उसने 2 मैच खेले जाके, वहां एक में उसने 49 भी किया या 45 प्लस किया अफगानिस्तान पे, लेकिन आपने उन 2 मैचों के ऊपर उसको ट्रोल करवाया। अबे तुम लोगों के लिए बेशर्मो, तुम लोगों के लिए 50-50, 25-25 पता नहीं कितने मैच रखे गए कि कहीं तुम रन कर दो, कहीं तुम मुर्दार पिचों पे रन कर दो तो तुम्हें आगे बढ़ाया जाए, और तुम्हारे जो मनपसंद लोग नहीं होते तुम उनके लिए जो है ये मार्जिन ही नहीं रखते। तो ये जो जितने अभी कमेंट्री बॉक्स में ड्रामेबाजी कर रहे हैं हमारे वाले, और जितने अब यहाँ बैठ के कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे अपनी दुकान चलाने, ये सब तकरीबन कल्परेट्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अच्छा या बुरा सर्व करके गए। मैं बताऊं इन्हें एक और डर क्या है, ये लड़के इन्होंने पाले और परवान चढ़ाए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये सरफराज की तरह मुहिब्बे वतन नहीं है, ये वैसे मुहिब्बे वतन है कि ये आपको क्वेश्चन, अभी इन्होंने अपनी टीम से आपको क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया कि आप लोग क्या जीते जी? आप क्या जीते भाई? वो लड़का जो भी है, मैंने कभी नहीं कहा, मुझे मालूम है भाई, मैं क्रिकेट बिल्कुल वही बताता हूँ जो मैंने कहा, वो एक एवरेज बैट्समैन है, बट वो एक लाइन हार्टेड कप्तान था जिसे ये मालूम है। आमिर अच्छा है या बुरा उसे फेंक दो साइड पे, लेकिन आमिर क्या कह रहा है, आमिर बार बार बता रहा है कि सैफी भाई को पता होता था कहां से बॉल क्या हो रहा है, आमिर तू तैयार रहे, यहां से रिवर्स हो रहा है, इसे तो अलिफ बे नहीं पता है यार। आमिर क्या कह रहा है सुना हमने? क्या तोता बताऊं? अच्छा मजाक बना रहा है, भूल जाता हूं तोता बताऊं। हाँ यार, अंदर से दिल जले में उनके, उन्हें ट्रोल कराया आपने। इमाद वसीम बेहतरीन आदमी था इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसकी पावर रेटिंग भी खड़े खड़े, वो एफर्टलेस छक्के भी मारता है, नया बॉल उसका एक तरह से इतना ड्रिफ्ट होता है कि आपको लगेगा स्विंग हो रहा है। तो भाई अगर तुम इमाद वसीम को ले आते ना, तो असल में मैं आज बताता हूँ, बाबर का इमाद वसीम से कोई मसला नहीं था। हाँ। सिर्फ ये था कि जब वो कराची किंग्स का कप्तान था, वो साफ कहता था 20 रन शॉट, फितने ने चढ़ाया इसे मत रखना, क्योंकि उसे नहीं खिलाता था। आज सबको पता चला इमाद वसीम वॉज राइट, क्या रिजवान T20 का प्लेयर नहीं, अब रैंकिंग गई। अच्छा ये घंटा अगर बम है तो शबराती उसका फीता है, याद रखिएगा। अच्छा इन दोनों में चलती है, यही चला रहे हैं। अब आप अपने देखो दोनों एक दूसरे, आजम खान जो बेचारा जो भी है छक्के मारता है, उसके पेट को ट्रोल कर रहे हो तुम लोग। मोटा है वो, है वो बहुत मोटा है, अबे वो भी तो खेल रहा है। वो कौन है जिसने कोहली को भी आउट कर दिया था 90 में? रकीम कॉनवेल, वो कैसे खेल रहा है क्रिकेट? अच्छा शान मसूद को नहीं लेना था, हमें तो ऊपर के लिए बंदा चाहिए यार, वो मेंटली टफ लड़का, हमें तो 5 नंबर के लिए बल्लेबाज चाहिए, शान भाई तो ऊपर खेलते हैं, इसने नहीं लेना था बोल दिया। 3 महीने के बाद शान जो है वो 4 नंबर की ट्रेनिंग करके आया। अबे इनकी ट्रेनिंग ही बड़ी जल्दी हो जाती है, एकदम से तैयार होके वो आया टीम में, आ गया और वर्ल्ड कप भी खेल गया, और उसी के रन पर आपने फाइनल भी लड़ा भारत। नहीं आप किससे अच्छा, पहले तो मुझे मेरी उनसे दरखास्त है, असल में आप लोगों ने बड़ा सताया है, हमें भी सताया है, और हर उस आदमी को जो सच बोलता है। देखिए हम कोई यहाँ पे पॉलिटिकल शो तो करते नहीं है, हम सिर्फ क्रिकेट का शो करते हैं, तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज नहीं करेंगे क्रिकेट पर झूठ बता के, जो जितना प्लेयर है उतना ही बताएंगे। अगर किसी को ये लगता है कि आप विराट कोहली को ज़्यादा चाहते हैं, चाहते नहीं है, इंडिया की मजबूरी है कि विराट कोहली एक ही है, वरना विराट कोहली को बैठना चाहिए वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर जाके और बच्चों को सिर्फ यूं करना चाहिए, वो इस तरह की पर्सनैलिटी है। लेकिन मसला है कि अभी विराट कोहली की टांगे और पूरी टांगे
और अगर उसकी टांगे ऐसी रहेंगी भाई डीकॉक, तो फिर विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप भी खेलते हुए देखेंगे आप। डीकॉक, रविंद्रा, विराट कोहली, हाँ बताओ तीसरे पे विराट कोहली आ रहा है क्योंकि सीनियर सिटीजन में आता है क्रिकेट के वो, तो वो बच्चों से तो डीकॉक तो आखिरी बार ही खेलने आया हुआ रिटायर है। यानी डीकॉक ने कब क्रिकेट शुरू किया, अब छोड़ भी रहा है, विराट कोहली खेले जा रहा है। विराट के लिए ना ग्राउंड मैटर करता है, ना सिचुएशन, ना कंडीशन, उसके बैट में चेज है। किसमें? बैट पे चेज है उसके, तो भाई ये भी फर्क था आप देख लें। अच्छा चेज कहाँ होती है, ये बैट में नहीं होती, हाथों में नहीं होती, कहाँ होती है? नहीं लोग कुछ लोग ये भी कह रहे हैं महाद वसीम को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, टीवी पे क्यों बैठा हुआ है? कौन? अबे भाई नहीं खेलता, उसे पता है इसका मेयार क्या है। नहीं उसने जवाब दिया ना इमाद वसीम ने, क्या कहा? उसने कहा कि भैया जब वर्ल्ड कप पे टीम जा रही थी जी जी, तो मैं दो नंबर पे था ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर, सेकंड नंबर पे था, क्या था ना बेस्ट ऑलराउंडर्स में था, नहीं मेरे आगा से ऊपर था, आगा तो टीम के साथ ही था। ओहो आज रन किया उसने अपने, आईसीसी आज इफ्तिखार ने रन किया, नहीं तो आज आगा ऊपर आ गए कि तू अपने रन दिखा दे यार। टॉप 5 ऑलराउंडर्स में था ये, कौन अच्छा, इमाद वसीम। अच्छा वो ये कह रहे कि जब आप तो भाई सरफराज के टाइम पे एक वक्त था कि इमाद वसीम 9 इनिंग में डिसमिस नहीं हुआ हुआ था, 45-41 से 45 के बीच का एवरेज बैटिंग एवरेज था इसका, और नए बॉल से भी ब्रिलियंट था। ये तो मैं रोना मेरी आदत नहीं है, खत्म हो गया ये तो, हमें तो पता है, बस अब ये तुम लोगों को समझाने की जरा सी क्लास है कि भाई अब भी समझ लो, जो बेचारे बच्चे या लड़के या नौजवान या हमसे बड़े जितने लोग सोशल मीडिया पे भटके हुए, देखो सोशल मीडिया पे भटकाना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पे भी हार गई ना टीम ये, आप तो अब हार गए। अच्छा पहले क्या हुआ, पहले आपने लगाया ये टीम हराएगी सबको, फिर आपने दो मैच जीतने के बाद स्पेसिफिक इंडिया वाले मैच पे लगाया, उस वक्त भी पूछा था कैसे भाई, उसके बाद आपने आगे वाले मैच पे लगाया, पेपर पे स्ट्रॉन्ग है, पेपर पे स्ट्रॉन्ग, पेपर पे भी बता दिया नहीं है, फिर आपको उम्मीद थी शायद आप कहीं से साउथ अफ्रीका को वो चोकर से मार दोगे, हमने ये भी आप वो भी हार गए, हमने बताया कि ये 20 ओवर की है 50 ओवर पे लागू कर दी है, बिल्कुल कामयाब नहीं होंगी इंडिया के अंदर, ये भी हमने बताया कि वर्ल्ड कप का नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद का स्क्वाड है, ये भी हमने आपको बताया, ये भी बताया कि सब नाकारा, सब खटारा, सब फारिग हो जाएंगे टीम में रहने की। मुझे एक बात पता चली है कि कौन लड़का टीम में होता है, कौन सा लड़का आप कहें तो मैं बता दूं। जा मेरे सलमान तेरे वर्ल्ड कप के 50 आ गए, ये मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि अबे ये साहिब ने 50 मारे हैं क्या वर्ल्ड कप में कभी, ये देखो सलमान ने मारे, में ये आजम ने मारे, ये वाली जहालत यहां चल जाती है, यहां पर चलता है भाई, ये 50 सलमान के कोई आदमी रखेगा पाकिस्तान हार गया था, ये बताएंगे सलमान के अबे क्या क्या हो गया इस वर्ल्ड कप में, कितने छक्के लग गए, 50 मार के रविंद्रा की इनिंग, कॉनवे की इनिंग, विराट की इनिंग, रोहित के छक्के, हम ये क्या दिखाएंगे, सलमान ने 50 कर दिए, इनसे कम रचिन ने खेले में मेरा बच्चा कितना छोटा सा है, अभी मैंने दिखाया था ना गोरा वाला भतीजा आपको, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा वो नर्चर करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, ऐसी नहीं कि तू बॉल ले आई, जूते ले आई, पैड ले आई, पानी ले आई, अबे एक आया है अपने सऊद के बारे में, अबे हमारा नहीं है वो, शकील चील है, चील है उसका, भाई वो भाई नेदरलैंड के मैच के बाद की वीडियो निकाल ले, आगे बात नहीं करता हूँ मैं, मैंने कहा था हमें पसंद है, इनसे अच्छा है, लेकिन अब देखना आप कुछ नहीं करेगा, अबे बेटा, और उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान खड़ा हुआ था एक एंड पे, कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने पेसर्स को भी चौके मारे, सुन लो, वो कोई वो थोड़ी रैंकिंग में, यही तो तुम्हारे दिमाग बेगैरत बनाए गए कि जो 3 साल से विराजमान है उनका एहतिसाब कर। शकील को 1 साल के बाद क्यों याद आया जब फखर ने रन मार दिए और वो निकल आया अपने ट्विटर के ऊपर, और शकील को जब फोन करके कहा गया बाबर की तस्वीर लगाओ, बाबर की तस्वीर लगाओ, जब से वो डूब गया, और है शाहीन को बेस्ट बॉलर बताओ उसने लगा के, जाओ ट्विटर अकाउंट चेक करो, अबे ये 1 साल में तुझे एकदम से कैसे सब चीजों का ख्याल आ गया, हमें भी पता है कौन चलवा रहा है सारी चीजें, हम भी जानते हैं, हमें भी पता है, मजबूरी होती है। शकील तू अच्छा खेला, एक काम कर तू लगा दे, पावर ग्रेड है, शाहीन बेस्ट है, अबे तुम फनकारिया हमें ड्रामा, सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी नहीं किया करो, प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करोगे मैं साथ दूंगा, जहां जहां आपको लड़का आपको सपोर्ट करने वाला होता है हम करते हैं, इफ्तिखार को हम करते हैं, फखर को हम करते हैं, बाबर रन्स करेगा ये सबको पता है, मगर वो रन्स नहीं करेगा जो टीम के काम है, रिजवान हमेशा से गले की हड्डी रहा है और वो वर्ल्ड कप को हरवाने में ये 4 नंबर बड़ा अहम है, याद रखिएगा पाकिस्तान हारा है, सब जब से बता रहे हैं एक टीम में मार्करम है, एक टीम में जो है मिचल है, एक टीम में कौन है, अय्यर है, तुम्हारे पास क्या है? हो गया रिजवान इस नंबर को लेकर, इसने अपनी जिद ना छोड़ी, आखिरी मैच भी इन्होंने रिजल्ट की परवाह नहीं करी, रन्स की परवाह करी कि मेरे रन आ जाए,
मेरे दिखाने वाले रन नहीं, फवाद आलम ने वनडे वाली जान नहीं है भाई, गलत बयान नहीं क्या दिखाएगा अब, ये दिखाएगा देखो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कितने वाले रिजी भाई ने, कप्तान इसलिए रिजवान है रिजी भाई ने, ये कॉम्पिटिशन लेके गया था कि मैं ज्यादा रन मारूंगा तो मुझे कप्तान बनाया ज्यादा नहीं शाहीन ने T20 का भाई, मैं साफ कह रहा हूँ अगर अब तुम लोगों में से जिस तरह रोजाना कुछ लोगों की आंखें खुलती हैं, अगर आज ज्यादा की खुल गई हो क्योंकि अब तो सैड स्टोरी का पूरा एंड हो गया ना, क्लाइमेक्स आ गया, पास पैसे बहुत है, तो मैं तुम लोगों के सेकंड में तुम लोगों को साफ लफ्जों में बता दूं, साफ और वाजे और सीधे लफ्जों में तुम लोगों को लाइन दे देता हूं। देखो भाई अगर अब भी सीख गए हो कुछ कि क्रिकेट और रेंज क्या होती है, इंटेंट क्या होती है और क्वालिटी और स्किल लेवल का मतलब समझ गए हो, वरना गूगल कर लो, ठीक है आसान है गूगल कर लो या किसी बड़े से पूछ लो, तो फिर अब ये आवाज उठा दो कि इन चार पांच जो ये गैंग बना हुआ है बॉलिंग और बैटिंग मिला के, तोड़ो इस गैंग को, इसको तोड़ो, इनको बाहर बिठाओ, इसके बगैर कभी कोई नई टीम नहीं बना सकोगे, अगर इन्हीं में से कोई कप्तान बनेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी, फिर ये तुम्हें दो चार बायलैटरल जीत के दिखा देंगे और फिर तुम मेगा इवेंट में इनका असर देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि माइंडसेट सबका एक है इनका, आप खुद बताओ कि ताकतवर से लड़ाई कब हुई है इनकी, हाँ। ताकत का मुकाबला कब किया है इन्होंने जी, हैं कहाँ पर ये ब्रेव आए, ब्रेव ब्रेव कहाँ है ये बताओ मुझे जी। इनमें वही ब्रेव है जो निकल कर आता है वो फखर है या इफ्तिखार है, ठीक है आपने देख लिया होगा, बॉलिंग तो वैसे ही इनकी फारी यार, 20 ओवर की बॉलिंग है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये 20 ओवर से ज्यादा के बॉलर नहीं है भाई, इनको 50 ओवर मत करो, की रिपीटिशन मत करो, उन लोगों की बद्दुआएं मत लो जो डोमेस्टिक में दिन दिन भर बॉलिंग कर रहे हैं सालों से और वो इनको करते देख रहे हैं, जब वो अबे इनके कॉलर तो चेक करो 20 ओवर की क्रिकेट में कितने चौड़े हैं, आप ये देखे कि हारिस रऊफ ने किया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में वनडे में, नहीं वो हर मैच में पिट रहा है, हराम है जो एक मैच में आपने उसे बाहर बिठाया, वो कलंदरी लड़का है बस, आपको मतलब एहसास ही नहीं, आपने उसे क्या बना दिया यार, कलंदरी लड़का है वो, शोएब अख्तर थोड़ी है भाई, आपने उसको बना के क्या रखा है, इसलिए रखा है कि कोई भी मारे उसको, कोई भी मारे, चले इस वर्ल्ड कप में आपको अच्छा हुआ कि ये चार पांच नाम जिन पे हमारा खसूसी फोकस था, हमारी कोई कमेटियां तो इन्होंने खाई भी नहीं, ना ये खा सकते हैं और ना ये खा सकते हैं, तो कहने की बात ये है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारा फोकस जिन पे था, आपको क्रूशल और बड़ी टीमों के खिलाफ जिनसे असल मुकाबला था, आपको समझ आ गया, देखो जो आके पहली अच्छी बॉल पड़ जाए आउट हो जाए वो कसूरवार नहीं होता, कसूरवार कौन होता है ये समझ लेना मेरी बात, कसूरवार रिजवान है जो इंडिया के खिलाफ खेलता रहा और फिर वो जिस तरह से आउट हुआ है पता चल गया कि वो 2% का प्लेयर है, लड़के हमारे हैं लेकिन नाकार हैं, ठीक है ये तो बात थी, लड़के हमारे हैं नाकार हैं, ये हमने जाने से पहले भी कहा, वहां पहुंचकर भी बताया, इनका ये भी बताया कि ये क्या कर सकते हैं ये भी बता दिया था, और हमने तो सबसे पहले बताया, और जो गालियां हमारे नसीब में थी वो दी नहीं लोगों ने, अब वो भले तारीफ करते रहे हमारी, हमें इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल होती है वो प्रोड्यूस की जाती है और वो हमने प्रोड्यूस किया, जो बेस्ट था पाकिस्तान के लिए वो हमने बताया, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट था, आज जो लोग इन प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं खुदा के लिए गालियां तो ना दें इनको यार, हाँ ये जरूर करेंगे इनको इनको वही वही बोले निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब नेपाल भी नहीं जाने दो, देखो तुमने कमजोर को मारा, कमजोर की आहें ली तुमने, कमजोर की बद्दुआएं ली, किसको मुल्तान में चौड़े हो रहे थे तुम, देखो 150 देखो 150 मार लो 150 ये हाल किया हुआ तुमने बनाने के लिए, नेपाल पे 150 करने पे तुम लोग सोशल मीडिया पे जाके लोगों को बता रहे हो, जो सीरीजेस बड़े वाले लोग जो मैच रेस्ट ले लेते हैं कि यार आराम ले लो, इस दिन किसी छोटे प्लेयर को मौका दे दो, जो नौ मौलूद जिनका अभी अभी बर्थ हुआ है क्रिकेट में, पहली बार वो एशिया कप तक रसाई हासिल की, इंडिया उतरे थे, इंडिया उतरे थे, गम जो मुझे खाया जा रहा था कि आपके पास क्रिकेट नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग क्रिकेट का मेला सजाने आए थे, आप किसी और मेले के सजाया ना आपने, बॉल बॉल जो है उसमें मशीन है, पिचे पता नहीं अपनी मर्जी की है, बल्लों में पता नहीं क्या सरिये लगाए हुए, आप अपना मेला मचाया ना इन लोगों ने, आपको जहाँ तकलीफ हुई वहाँ मिकी आर्थर की चुटकी नोची और उसको बोला एक काम कर, एक काम कर तू मीडिया में ये बोल के भाई जाने आने नहीं दे रहे हमें, खरीदारी करनी, शादियां हैं, शादियां हैं, मतलब ये भी तो मसला है, ये भी तो देखो वर्ल्ड कप तो फिर आ जाएगा 4 साल का, हम फिर खेल रहे होंगे, हमारा क्या मसला है, फिर बाबर ने बॉलर को कह दिया होगा है? यार आप समझे कि ये आदमी ये आदमी इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि इसने आज तक कोई मैच हार के अपनी, ये PSL से भी बॉलिंग
और ये इंटरनेशनल में भी सिर्फ बॉलर्स को कसूरवार करार देता है। कि तू बैटिंग करते रहे, जब तेरी टीम हारे तू बोलियो हमारे बॉलर ने हरवा दिया। हाँ, तू बैटिंग करता रहे बस। हाँ, ये बात भी है। अभी मैं देखता हूँ इसने मेरे बॉलर्स को फिर कुछ कहा होगा। बहरहाल मतलब आप क्या देख रहे हैं, ये सब तो तय था। अब इस मैच में ओवर बैशिंग क्या बनती है, दफा करें। नहीं, बैशिंग तो खत्म हो गया, बैशिंग तो कर ही नहीं रहे हम। तो आपसे पूछ रहे इस वक्त, खुसूसन उनसे पूछ रहे हैं जो कोई एक आध इन दो चार लड़कों का फैन अगर यहाँ मौजूद है। लेता हूँ मैं कमेंट्स तुम्हारे। तो आप लोग ये बता दो हम क्या बोले, हम क्या बैक करेंगे। तुम जो बोलोगे सही, कि ये बोल दे वो बोल देते। बाबर को बचाओ, इसको किसी घंटा घर में सजाओ। नहीं नहीं, ऐसी नायाब चीजें रोज थोड़ी आती है क्रिकेट खेलने। इसके फ्रेम कराओ यार, लगाओ हर जगह हर शहर में। नहीं, इसको फ्रेम ना कराओ, इसकी अभी से बनानी शुरू कर दो फिल्में। हाँ, फिल्में बनाओ इसके ऊपर। इससे आप इससे काम करवाएं फिल्मों में, इससे शॉर्ट फिल्म करवाएं, लॉन्ग फिल्म करवाएं। इसकी फिल्म का ट्रेलर जो होगा ना वो मैं ट्रेलर आप इसका बनवाएं। ट्रेलर के लिए आप मुझे ले सकते हैं। घंटा गिरा रे, इंटेंसिटी तो लगती है। छोटा सा है वो, भागते हुए आता है अपने बॉलर्स के पास, ऐसी दो चौके लगे कुछ ना कुछ बात करके जाता है। पहली दफा आया था मोइन अली के साथ, जब भी मैंने कह दिया था कि ये घंटा गिराएगा। ये देखो मैन ऑफ द मैच ले गया वर्ल्ड कप में, डेविड विली। डेविड विली ने आज क्रिकेट उसकी आखिरी थी, उसने रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो निकला था कि आज अच्छे नोट पर खत्म कर। जितने फड्डे इंग्लैंड की टीम के अंदर थे ना, खुदा की कसम, अगर तुम मेरे जो प्यारे, क्योंकि असल में मॉर्गन चला रहा था इंग्लैंड की टीम, ये समझ लो। ये दुनिया को पता है कि मॉर्गन की वजह से शायद जेसन रॉय ड्रॉप। आप जाकर जरा इंग्लैंड को जरा पढ़ लीजिए आप, इंग्लैंड के अंदर कितने मसाइल चल रहे हैं वहाँ की टीम मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए, खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं थे वर्ल्ड कप में आया वो, शर्जील को खेलने से मना कर दिया। बेकार है बेटा, पीछे बैकवर्ड नहीं देखते आगे जाते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, टाइम हो गया शर्जील का। जो लोग इस धोखे में लेके आ रहे हैं कि टीम क्या करे जब चार चार चेयरमैन बदल जाए, भैया कप्तान भी वही था, खिलाड़ी भी वही थे, तीन साल से इन्हीं के धंधे चल रहे थे। और वो लोग जो रिजवान को छुपा रहे हैं जरा, वो भी निकल कर आए। असल कसूरवार, असल इस टीम में फितना, वो रिजवान है, जिसने ना टीम को बनने दिया ना किसी को आने दिया, हमेशा रास्ता रोक के रखा। और आज बाबर की कप्तानी जाते शाहीन को पकड़ लिया उसने मेकअप पूरा किया है, अदाकारी पूरी की है, मरहूम एंड्रू साइमंड्स वाले अंदाज पूरा कॉपी किया। होता है ना, बंदा सोच रहा होता है मैं कभी क्रिकेट खेल गया तो मैं ऐसे ही, ऐसी वो क्रीम होती है ना, क्या होती है ये क्रीम लगाऊंगा बड़ी करके। नहीं, ये देखो यार, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल के थी। देखे इमाम और अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के मैच में जितनी उनकी बैटिंग में ताकत है उस हिसाब से आगाज दे दिया था। अगर इनमें कुछ होता आपको उसी दिन निकल के सामने आ जाता। मैंने आपको कहा था मैं ये एक आखिरी मैच में सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने कहा था यहाँ ये रन चेज हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया गलती कर गया 420 रन की पिच थी कम से कम। मैं गोल्डन वर्ड सुना रहा हूँ आपको, वहां भी बॉलर्स पे डाल दी। गोल्डन वर्ड सुना रहा हूँ आपको, वी कंसीडेड अ फ्यू टू मेनी रन्स, वी बोल्ड अ फ्यू लूज डिलीवरीज। शुरू ही बॉलर से करता है, कमाल आइटम है ये, जंग है इसकी और शाहीन की खुलेगी। एंड आवर स्पिनर आरंट टेकिंग विकेट्स, स्पिनर्स पे भी बॉलर्स पे डाली। जैसे आजकल कुछ लोग जो इसकी फ्रेंचाइज के थ्रू हैं कहीं ना कहीं, दैट हैज अ बिग बिग इफेक्ट। वो आजकल नेक बन के बता रहे हैं कि यार वो शाहीन बस एवरेज ही बॉलर है, ठीक कह रही है दुनिया। वो बेसिकली शाहीन को नहीं कह रहे, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से हार गया। वो डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन इस कप्तान से, जिसको जिसकी मर्जी की टीम मिली है, मर्जी की फरमाइशी प्रोग्राम। आखिरी लाइन सुन ले, इनकी आखिरी लाइन सुन ले, ये चाहते हैं कि इनकी तस्वीर भी पाकिस्तान के नोट पे छप जाए। सुने आप क्या कह रहे हैं, सुन ले आप। ये रिटायरमेंट ले ले छपा दे यार। वी विल टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस एंड डिस्कस मिस्टेक्स। अब सुने, डिस्कस मिस्टेक्स। आई एम कीन टू लीड द रीबिल्ड, I am keen to rebuild, lead the rebuild. यानी कि अब तुझे दोबारा किसी घंटे का कप्तान बनाकर दोबारा तुझे नए बच्चे तेरी है। और नहीं भाई, इसको फोन आ गया है कि तुझे कप्तानी से नहीं हटाएंगे, नहीं हटाना चाहिए। और इसको इसके चाहने वालों ने भी, अच्छा
हम भी नहीं चाह रहे नहीं हटाएं भाई बाबर को ही कप्तान रखे, ऑस्ट्रेलिया जाएगा यार, ऑस्ट्रेलिया में बाबर टेस्ट का कप्तान होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लोग इसको जानते हो ना जानते हो, घंटे को जरूर जानते हो, इसको भेजो वहां पे। नहीं यार वंडरफुल प्लेयर, पहले ये छोटे वाले ले गया था, खूबसूरत कवर ड्राइव, मूसा को ले गया था जिसके बाद यार बॉलर छोड़ते भाई, मतलब कवर ड्राइव देख लिया मुझे, वर्ल्ड कप प्रेशर था। अब ये कवर ड्राइव ऑस्ट्रेलिया में जाके मारेंगे, बैकफुट पे शॉट्स मारेंगे, पुल वुल मारेगा, हमने तो रोका ही नहीं, हमने तो रोका ही नहीं, हम तो तालियां बजाएंगे भाई, हम क्लैपिंग करेंगे, आप जाएं यार और आप कप्तान बन के जाएं। और मैं तो कह रहा हूं नायब कप्तानी भी रिजवान को दे दो, बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, यकीन करें उसको खेलता देख के महेंद्र सिंह धोनी सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं खेला, एडम गिलक्रिस्ट कांपता होगा कि यार मैं ये रिजवान वाले शॉट नहीं खेल सका, कुछ बच गया क्रिकेट में, पता है क्या करो क्या धोनी सोचते होंगे, मैंने कुल्ला सेकरा को छक्का मार के 2011 का वर्ल्ड कप तो जिता दिया, लेकिन मैं रिजवान की तरह झाड़ू क्यों नहीं चलाता था, अजीब सी बेडंगी। तीन लोगों में पुगम करा दो, पुगम समझ गए, ये वाली जो होती है रिजवान में, शाहीन में और बाबर में, जो जीत जाए वो कप्तान, इख्तिलाफ नहीं है, थोड़ा सोच लू, एनालिसिस करो तुम, छोड़ो और कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी जाते हैं, तुमने बेटे जो करियर पकड़ा है ना इसमें ना रन आउट हो गए ना स्टंप हो गए ना तुम्हें टीम से कोई ड्रॉप करेगा ना पिच का मसला ना कंडीशन का मसला, ठीक है ये करियर चलता है। बीच में एक बच्चे ने कैरेबियन प्रीमियर लीग का भी एक मैच लगाया हुआ था पिछले से पिछले साल का, जो इसने आखिरी ओवर में हरवा दिया, छोटा बच्चा हूँ कप्तान, कप्तान देखे कभी 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 कंट्री की बात करना बड़ी जरूरी हो जाती है, दो लाइनें बोलता हूँ जो लोग क्रिकेट चलाते हैं, वो किधर है फेंटा लगा रे, ये क्रिकेटर गए साइड पर यार, ये तेल लेने गए, निकला तुम्हारी तेल लेने गए, जो कंट्री को देख रहे हैं या क्रिकेट में कुछ उनका है पूछगछ, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट रॉ है, ये दुनिया बोलती थी, वो आज भी है, वो अब भी आ रहा है, मसला ये है ये जो यहाँ से लेके डोमेस्टिक तक इन पांच छह लड़कों का फैन क्लब है, ये वहाँ डोमेस्टिक में ही लड़कों का गला दबा रहा है। तो अगर आप लोग वाकई पाकिस्तान के नाम पर कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि देखें जब क्रिकेट टीम का इस तरह से जनाजा उठेगा, और मैंने अभी ऑफ ईयर भी एक बात की शायद पहले आप लोगों से भी की हो, वर्ल्ड कप में बहुत आसान था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलना, बहुत आसान था, सिर्फ प्रॉपर क्रिकेट से भी खेल लेते ही, इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था, शाहीन को बना दो, फारिग हो रहा था शाहीन, पहले स्पीड तेज कर ले, मैं गलत बात नहीं कर सकता, उसका पाउंड राइट पे जा रहा है, उसकी स्पीड खत्म हुई भी है, वो ये कह रहे हैं उसकी वनडे की बॉलिंग सस्पेक्ट हुई भी है, साथ कह रहे थे इनका आशिक कह रहे हैं कि भैया वो T20 हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग शाहीन पे इसीलिए आ रहे हैं कि उसे कप्तान ना बनाया जाए, मजे लेने तुमने, अब जो मैं कह रहा हूँ वैसा अगर हो जाए, वैसा हो नहीं सकता, ये जितनी टीम है ना जितने लड़के हैं इनमें से किसी को ड्रॉप ना करो, किसी को भैया आप टेस्ट खेलोगे और ओडीआई खेलोगे, T20 की नई टीम बना रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कितने लोग रुकेंगे, इनको लागू कर दो कि आप सिर्फ वनडे कट कमीशन भी भाग जाएंगे, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कितने लोग रुकते हैं, ये सब रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि इनके धंधे खत्म हो जाएंगे ना, ये है 20 ओवर की बलाएं, वो भी नहीं रही, अब तो वो भी अफगानिस्तान गले को आ जाता है इनके, मार गया सीरीज ही मार गया, पूरी सीरीज ही मार गया, बिल्कुल ठीक बात है, बर्बाद करके चलेगा, तो बचा क्या है आपके, पहले तो मजे खत्म करो, देखो लाहौर कलंदर की क्रिकेट में और जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से खेलने की क्रिकेट में फर्क है भाई, ठीक है, सेमीफाइनल्स में बात करेंगे यार, अब असल में पता आपको कल से दिल क्यों रहा है यार, सैफी को जाते वन साइडेड मैच था, उसको मरी हुई टीम नहीं दो भाई, ऐसे खिलाड़ी मत जो नाकारा और घटा, सरफराज अगर समझदार है तो लीड करने से मना कर दे, ये लड़के का क्या करेगा, नहीं नहीं मरे हुए जिस्मों में जान थोड़ी डालेगा कोई, और भाई साफ बात है कॉमन सेंस की बात है, किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं देना चाहिए, सरफराज की भी अब बेचारे की दो ढाई तीन साल की क्रिकेट होगी, वो अगर ये भी बोले कि मुझे मेरी करने दो चार सीरीज दो, काजी को जो नजर आया ना पूरे वर्ल्ड कप में, वसीम जूनियर सिक्स हिटिंग एबिलिटी, बस यही नजर आया, समझदार बच्चा है तू, बहुत तेज लड़के हो तुम, तुम्हारी वजह से ये हाल है टीम का, तुम ही लोगों की वजह से, हाँ ये समझदार बच्चा है काजी बेटा, अच्छी बात कर रहा है, अरे वो ये कह रहा है कि अगर रिजवान के नंबर पे इसको खिला दो तो ये कम से कम सीधा, आपने उसका सीधा छक्का ही नहीं देगा, ये बल्ला आप तो पूरा मैच देख रहे थे, वसीम ने बल्ला ही नहीं देना अपना, मैंने तो आपको कहा मैं क्या देखूं, मुझे मजा ही नहीं आ रहा, देखो इनके मुझे तो पता वन साइडेड आ रहे, ग्रे निकल्स की उस
मैं तो आपको 150 बोल रहा था तो आखिर वाले कर गए, वरना 150 में फेंकते। मैंने ये ऑफियर भी कल आपको मैं बोल के गया हूँ, ये वन साइडेड आ रही है इंग्लैंड से, ये छोड़ दो ये अनोनियों की बातें है, वन साइडेड और फखर रननी। बीच की वीडियो में क्या बोला है, अली जावेद क्या भी उठूंगा और फखर आउट हो जाएगा। अली जावेद वो शायद उठते हुए ही हो गया था। अली जावेद सरफराज के साथ जाती होगी कि उसको कप्तान बनाया, बस उसको थोड़ी सी इज्जत दे के रिटायर करो भाई। उसने आपको, अब आपको पता चला होगा उसने आपको क्या क्या दिलवा दिया 2-3 साल में। अब 11-12 कंजेक्टिव T20 सीरीजेस घर में नहीं खेला वो, सारी बाहर भी खेला है, न्यूजीलैंड में भी जीता T20, बहुत सारी टीमें स्ट्रगल करती हैं वहाँ। तो ये मैं बता रहा हूँ अंकुर यार, दिल जलता है उसकी वजह ये है कि टीम तो पाकिस्तान की है यार। हाँ। और मैं इंडिया में वो बैठे हुए उन लोगों को जो ग्राउंड में आए अपनी पूरे दिन की तवानाइयां लेकर 50 ओवर क्रिकेट देखने और खासतौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ठीक है, उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान सपोर्ट भी आपको अच्छी मिली, खाने भी अच्छे मिले, बिरयानियां भी पूरी मिली। 2% के और घटिया खिलाड़ियों को देखने नहीं आए थे, वो पाकिस्तान के नाम पर आए थे, वो लोग पाकिस्तान के नाम पर आ रहे थे, इनको देखने कोई नहीं आ रहा था। ये 2% के घटिया है, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूफ कर दिया, घटिया तरीन परफॉर्मेंस। 20 ओवर के आर्थर को मैं कह रहा हूँ डबल कर देनी चाहिए इसको पकड़ के लाओ, मैं इस डायरेक्टर है इसके कान में, ग्रांट ब्रैडबर्न को न्यूजीलैंड नहीं रख लेती। अब उन्होंने अपना ट्रेनर तक नहीं रखा भाई, पाकिस्तान में ये पहली बार फील्डिंग कोच आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसने 7 बार, मैंने इसका एक बार स्टेट्स उसी वक्त बताए थे 1.5 साल पहले। बॉन्ड की पर्चियां तो नहीं बेचता ये कहीं, ग्रांट ब्रैडबर्न हो सकता न्यूजीलैंड में जो है ना बॉन्ड चलाता हो, जब ये आया तो हमारा ही नाम शाहिद आफरीदी ने बहुत मारा इसे एक सेंचुरी में, पहले बोला था उन्होंने अबे इसको ले आए, हाँ इसको ले आए तुम, ये सब पता है लोगों को। बहरहाल अगर क्रिकेट के कुछ अगर हीरोज हैं कौम की तरफ से और अगर उन्हें मालूम है, एक बार कह रहे हैं कि इफ्फी को कोच बनाया जाए आपको, हाँ मैं तो भाई वुमेन्स टीम का बनूंगा क्योंकि बदतरीन कारकर्दगी जा रही है वहां पर, जवेरिया को बिठाया हुआ है इन्होंने, ठीक है कायनात को बिठाया हुआ है, ये ज्यादती मत करें पाकिस्तान, ठीक है, और उमर रशीद के ऊपर बहुत आलू आया हुआ है, उमर रशीद का नाम लिया जा रहा है, हाँ उमर वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ करके नहीं दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कोच करके, बल्कि उमर भाई आप जाइए, उमर भाई क्योंकि आपके साथ रशीद लगा हुआ है, उमर भाई ठीक है आपकी भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है टीम की, हो ना हो जैसे मिकी आर्थर कह रहे हैं मेरी तो अच्छी है, ठीक है टीम भले कुछ कर रहा है, जैसे बाबर कह रहे हैं मेरी कारकर्दगी तो अच्छी है, पाकिस्तान के स्क्वाड में विकेट लेने वाला मैं, मेरी तो अच्छी है, हारिस को पकड़ो, हारिस बोलेगा मैंने तो अपने उतार दिए आज रन मार के, मेरी तो अच्छी है, मेरी मुझ पे कौन बात करेगा, अब रह गया सलमान मेरा दोस्त है, अब रह गया शकील, शकील बाबर को ये बताते हैं आपको कोच लगवा देता हूँ कल, आप क्या सिखाएंगे बाबर, आप तो घंटी लेके पहुंच जाएंगे बाबर, ये बेटा मैं यकीन करें बाबर को कहूंगा तू एक काम कर अगले 3 साल तक तू सिर्फ ये घंटा बजाता रहे, क्योंकि मैंने यही बजाया, अब तेरी बारी है, तू सिखाए ना आप उसको, कुछ बताएं उसको कैसे खेलना है, किसको, उसको बाबर को, विमेंस टीम के चक्कर में लग गए, उनको सिखा दूंगा मैं, मैंने वुमेंस टीम ठीक करनी है पाकिस्तान की, और विमेंस क्रिकेट आपको पोटेंशियल दिख गया उनमें, नहीं पोटेंशियल ही तो नहीं है, तो पोटेंशियल कैसे पैदा किया जाता है, अरे वो मैं बताऊंगा पोटेंशियल कैसे आता है, मैं बताऊंगा फेंटा कैसे लगता है, अबे उसकी कोई वीडियो उसकी कोई बात बात नहीं आई क्या, मैं लड़कियों को बताऊंगा, अच्छा आज बाबर ने जवाई ली, अभी जब आपके आखिरी बल्लेबाज मार रहे थे इसकी जवाई की फोटो वायरल करो, सरफराज की जवाई की तरह तुम्हारी ऐसी की करो ना, अगर नींद आ रही है बोरिया तो रही है, अबे यार इसने कौम के लगवा दिए, इसको नींद आ रही है, क्या चूसता था जो जवाई आ रही है तुम्हारे को, इसने सबसे पहले तो देखो हम तो सच बोलते हैं क्रिकेट का तो हमारी तो खैर है, लेकिन इसने उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे थक गए थे इसे डिफेंड कर करके, अब मैं बताता हूँ नया एजेंडा जो कल से आने वाला है, अभी से बता दूं, मुझे तो मैं तो पढ़ लेता हूँ, 3 बातें आएंगी, अभी शाहीन की फिटनेस और बॉलिंग शुरू हो गई, अब आएगी सपोर्ट स्टाफ गोरा कुछ नहीं देता, इन्होंने हमारे लड़कों से डिलीवर नहीं कराया, अबे झटियलो ये बताओ मुझे इस लेवल पे, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कहता है इस लेवल पे कोचिंग नहीं फाइन ट्यूनिंग होती है, कोचिंग कौन कर रहा है, यो 29 और 30 साल की उम्र में कोई बैटिंग टेक्निक नहीं बदलवाएगा तुम्हारी, पले पला है पूरी मूली और गाजर खा जाने वाले डकारे लेकर, मोटिवेशनल स्पीकर होता है एक तरह से इस लेवल पर कोच, जो तुम्हें बेसिक्स में रहते हुए बताता है कि यार तुम थोड़ा सा ऐसे कर लो तो तुम ज्यादा रन कर लोगे, बॉलर को बताता है अगर तुम्हारी बॉल स्विंग ना हो तो लेंथ बदल लो,
बस ये काम है कोच का। ये अपने रन 100 मारने के चक्करों में ताज रह गए मेरे 100 जी। हाँ, क्योंकि इसके 100 से जुड़ी हुई थी उम्मीदें लोगों की। हाँ। कि 100 मार देगा, मोहली में वर्ल्ड चैंपियंस में 100 मार दी बाबर ने। नहीं नहीं, बाबर कप्तान रहेगा भाई, हमारी तरफ से बाबर कप्तान है। हम बाबर की कप्तानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर रहा, बाबर कप्तान सुन भी नहीं सकता भाई। इसलिए मैं इसलिए दुनिया के मैंने लोग बोल रहे थे उसको कप्तान बनाओ भाई जान। दुनिया इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें 10 थी, मैं इतना बड़ा घंटा खरीद के लाया हूँ, मैं कैसे बजाऊंगा अगर ये कप्तान नहीं रहा तो भाई। जो 9 टीमें है ना, उन 9 टीमों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑफिशियल दरखास्त करने का फैसला कर लिया कि इनको घंटा देके रुक सकते नहीं। हाँ। ओ भाई वो कह रहे हैं यार इन्हीं इसी टीम को भेजा करो आप, हर दफा में आसानी रहती है, क्योंकि ये घंटा भी लेकर आते हैं। हाँ, यही रिजवान, यही बाबर, यही हारिस, यही बॉलर, यही सब चाहिए। रवीज भाई ने वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में घंटा बजा कर ये बता दिया कि घंटा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही घंटा है, एंड ऑफ स्टोरी। अपने किए को खुद ही उन्होंने आज चले फिर इजाजत देते हैं, काफी हुआ, बाकी कल मिलते हैं। कल इंडिया का नेदरलैंड से मैच है, फॉर्मेलिटी है। गिल विल थोड़े बड़े रन करते तो मजा आ जाएगा कि फॉर्म एक मोमेंटम मिल जाएगा, हम उस पे जो हो रहा होगा वो बताएंगे। लेकिन सेमीफाइनल्स को जरा ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप असल मार के वो ही हैं, असल मुकाबले अब वो ही हैं। तो दोनों सेमीफाइनल्स पे अब जितने भी दिन जब तक रहते हैं उन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़े इन टक्कर के मुकाबले और अच्छी टीमें पहुंची हैं, जिनकी क्रिकेट पूरी लग रही है वो चारों टीमें पहुंची हैं जो मोस्ट डिजर्विंग है। ऑस्ट्रेलिया 2-3 मैचों में एज प्रिडिक्टेड 10, जहां पे कंडीशन जरा मुश्किल मिली उन्हें स्पिनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ देवर एबल टू बाउंस बैक, और उन्होंने बाउंस बैक किया। बाकी लड़कों को तो छोड़ दिया, हमारे कल निकल लेंगे, बाकी लड़के दमा दिया, अबरार पानी पिलाता रहेगा पागल। दमाद को रोक लिया किसको, हसन को। हसन पता है क्या कर रहा है, वो मिठाई लेके आएगा। वो संदेह नहीं, ये लोग आएंगे तो लोग थैले हाथ में देखेंगे, हसन तू मेरी बारात का सामान तू लेकर आएगा। नहीं तो अभी ये क्या कल ही आ जाएंगे, कल दिवाली है ना, तो हसन तो दिवाली मनाएगा, उसके बाद फिर वो बाकी बारात का सामान भी तो वही लेकर आ रहा है। अच्छा, ये लेकर आएगा तो पकड़ा जाएगा, शॉपिंग तो की नहीं, क्योंकि आप बहुत शरारती है, घंटा कर दिया आपने। क्या कर दिया आपको, हर चीज में घंटा चाहिए, घंटे के बगैर तो अब दिल भी नहीं चाहता है, घंटा मतलब आप कह के थक गए, मेरा तो घंटा मजा नहीं आ रहा भाई, कितना बजाओगे। चले, लव यू ऑल भाई, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच है, बताए।